गुड मॉर्निंग माय ऑल यूट्यूब फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अभी बाजार जा रहा। मैं सुबह तभी छः साढ़े छः होगा तभी मैं आज इडली बनाई तो उसका थोड़ा वीडियो किया। उसमें मतलब कुछ बोला नहीं, सिर्फ ये किया इडली बना रही थी तभी सब तैयार करके ढकने वाले थे उस टाइम। उसके बाद इडली बन गया, बेटी लेके चली गई, बाबू नाश्ता खा के भी चले गए। लेकिन उसके बाद जब इडली बन के तैयार हो गए उस टाइम वीडियो नहीं करता क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। इसलिए सुबह मैं बहुत ही बिजी रहती थी क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। इधर कैसे काला काला आ जाता है। पहले फ़ोन को सेट कर लूँ क्योंकि खाना बनाना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है। जैसे आज चावल बनाई, सब्जी चावल बनाई और सब्जी कल का बना हुआ था वो गरम किया और पापड़ फ्राई किया, वो बाबू लेके गया। इडली बनाई, बाबू नाश्ता खाया, बेटी लेके गई, ये हो गया दो। और उसके बाद साबूदाना बनाई, बेटी को दिया, ऑफिस में जाके नाश्ता करेगी। और चाय बनाई, बेटी चाय और खाड़ी ऐसा चाय के साथ खाई खा के गए। मैं ना वीडियो करते करते बात नहीं कर पाती, मुझे प्रॉब्लम भूल जाती हूँ। मतलब आज सोची थी कि इडली बनाऊंगी, उसका ये वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ। सबका अलग अलग ऐसा बनाना चाहिए। बनाई बिठाई थी तभी किया लेकिन उसके बाद हो गया, नहीं कर पाई, नहीं होता है टाइम। बहुत सारा काम रहता है ना इसके लिए नहीं। अभी ऐसे ही ऑन रहेगा, मैं बात नहीं कर पाऊंगी। मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर दूँ कैमरा। हो गया, एक सब्जी बनाई थी बेटी के लिए। बेटी रात को रोटी के साथ खाएगी, कल सुबह लेके जाएगी क्योंकि पत्ता का भी बना रही हूँ वो बेटी को पसंद नहीं है, इसके लिए दो दो बनाना पड़ रहा है। और पत्ता का भी नहीं बनाऊंगी तो खराब हो जा रहा है, बहुत दिन का हो गया, 15 दिन के ऊपर हो जाएगा, इसलिए पत्ता का भी बना रही हूँ। उसका ही तैयारी चल रहा है, सब्जी वब्जी काटना, मसाला तैयार करना, सब कुछ तैयारी चल रहा है वो कर रही हूँ। लेकिन गर्मी बहुत लग रही है मुझे, जाने का मतलब जाने का मन नहीं है और बारिश का आने का भी मन नहीं है। कल रात को शायद 5-7 मिनट हुआ बारिश, उसके बाद गायब हो गए और नहीं दिखाया चेहरा। मैं कर लूँ, मुझे मसाला तैयार मुझे करना है, आप लोगों से बात नहीं कर पाऊँगी इसके लिए, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। मैं आ गई फिर से, काम भी करके पोछा पोछा लगा के कपड़ा धोए। अभी मेरा ये क्या बोलते पत्ता गोभी भी कंप्लीट बना लिया, आप लोगों को दिखाओ नहीं दिखाती मैं उतना अच्छा नहीं बना पाती। अगर अच्छा बना भी लिया तो किसी का नज़र लग जाएगी। दिखाती हूँ,
पत्ता गोभी का सब्जी अभी सब साफ करना पड़ेगा, किचन पूरा साफ करना पड़ेगा। आज थर्सडे है इसलिए भेज जेटा बांगाली ते बोले निरामिष बांधाकोपिर तरकारी वही वहीटाई बनिए भेज पत्ता गोभी का सब्जी। अभी कर लेती हूँ इसका बंदोबस्त, बाद में आती हूँ। पूरा साफ करना पड़ेगा, किचन गंदा हुआ है, बर्तन बर्तन कढ़ाई वढ़ाई सब धोना है इसलिए। आज मैं चंपू की खुद से देखो इंदुल ऐसा लग रहा है, आप लोगों को तो पता है बाल बहुत झड़ रहा है, बीच में इंदुल का मतलब कंटिन्यू 2-3 बार लगाई थी तो कम हो गया था, लेकिन अभी बीच में 2-3 बार लगाने के बाद 2-3 महीना पूरा गैप हो गया तो बहुत ही झड़ रहा है बाल, इसके लिए इंदुलेखा लगा के एकदम चंपी हो गई। बेटी को लगाने के लिए नहीं हो रहा है, सुबह मतलब लगा के दूंगी लेकिन ये अब नहीं रहा है, फिर लेट हो रहा है, ऐसा नींद भी नहीं छूटता, 6:30 बज जाता है, उठने में लेट हो जाता है, इसके लिए मैं बना रही हूँ खाना। धूप देखो कितना तेज धूप, कितना तेज एकदम कड़क धूप है, देखो बहुत बहुत तेज धूप एकदम कड़क, बारिश का आता पता नहीं है। आधा एक घंटा पहले बूंदे बूंदे गिरी थी, ऐसा काम हो गया उनका गिरने का, बस अभी गायब हो गया। शायद इस महीना नहीं होगा, इस महीने में और ज़्यादा दिन बाकी भी नहीं है, 4-5 दिन बाकी है, जून महीना ख़त्म हो जाएगा, शायद जुलाई से ही होगा बारिश का, ऐसा ही लग रहा है। खुद से नहीं किया जाता चंपी, आगे का तो हो जाता है लेकिन पीछे का तरफ नहीं होता है, लेकिन फिर भी कर लिया ऐसा, उसमें तो कंघी जैसा है तो ऐसा ऐसा कंघी का जैसा करती हूँ ना तो बराबर हो जाता है ऊपर से, इसमें अच्छा होता है कंघी जैसा है बोल के, पूरा उसका जो मुंह है काटे काटे उसमें पूरा बूंदी बूंदी आता है, एकदम अच्छे से हो जाता है। तो चलो ज़्यादा बकबक नहीं करती, मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। गर्मी में परेशान, आप लोग भी बहुत परेशान हो गर्मी के वजह से, और फिर भी गांव में कलकत्ता में थोड़ा गर्मी भी है, बारिश भी हो रहा है, तूफान जैसा बहुत हवा आ रहा दे रहा है ऐसा, एक दो तीन दिन तो मिलते हैं शांति से, मतलब नींद थोड़ा वेदर भी चेंज हो जाता है, लेकिन इधर नहीं, इधर सिर्फ गर्मी गर्मी है, यही है। आप लोग गर्मी में मजा लो, मजा करो, खाओ पियो, मस्त रहो, मैं भी। चलो टाटा बाय बाय।